हेलो एवरीवन, माय नेम इज लखन उपाध्याय और आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वर्कशीट जो कि बेस्ड है आर्टिकल्स पे। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आर्टिकल्स के ऊपर, जिसमें मैंने आपको सिखाया था ए एन और द का यूज। आज मैं लाया हूँ उसके लिए एक वर्कशीट। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें आपको ए एन और द का यूज़ करना है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ए एन द इसमें से कुछ भी यूज़ नहीं होगा तो आपको वहाँ पे क्रॉस कर देना है, ठीक है, छोड़ देना है या एक्स लगा देना है या क्रॉस कर देना है। चलिए, आई एम डैश स्टूडेंट डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। मैं क्या हूँ? यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। अब इससे पहले ए आएगा, एन आएगा या द आएगा? मैंने आपको आर्टिकल वाले लेक्चर में बताया है, अगर जिन लोगों ने मेरा आर्टिकल वाला लेक्चर नहीं देखा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ देख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी, देखो यू वर्ड से ये सच है कि यू वाउल है, ठीक है, तो वाउल देख के आप इसमें एन नहीं लगाओगे, क्योंकि जो आवाज़ आ रही है, साउंड आ रही है, वो किसकी आ रही है? य की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। इसलिए आप यहाँ पर क्या लगाओगे? आई एम ए, क्या लगेगा यहाँ पर? ए। सेकेंड देखिए, शी गोज टू द टेम्पल इन डैश मॉर्निंग। वो जाती है सुबह सुबह के टाइम, कहाँ जाती है? मंदिर जाती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्पेसिफाई किया गया है टाइम को कि वो कौन से टाइम जाती है, रात में नहीं जाती, दोपहर में नहीं जाती, मॉर्निंग्स, तो द मॉर्निंग्स क्या आएगा? द। तीसरा आप खुद पढ़िए, सोचिए क्या आएगा। भानु इज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखो फिल इन द ब्लैंक के आगे बेस्ट लगा हुआ है, और ये जो है सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज होता है? द का यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? भानु इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। फोर देखिए, दिस बुक हैज़ वन डैश बुकर प्राइज। इस बुक को कौन सा प्राइज मिला है? बुकर प्राइज मिला है। तो उस प्राइज को स्पेसिफाई किया गया है, तो क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। अशोका वॉज डैश ऑनेस्ट किंग। देखिए ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, शुरू किससे हो रहा है? एच से, लेकिन आवाज़ किसकी आ रही है? वाउल वाली, ओ वाली। तो अब यहाँ पे क्या लगाओगे? एन लगाएंगे। फिर से मैं आप सबको बता दूं, अगर आपने मेरी आर्टिकल वाली वीडियो नहीं देखी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे देखने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वर्कशीट को करने में। आई मैट डैश गर्ल इन द स्टोर, डैश गर्ल वॉज ब्यूटिफुल। तो अब मैं एक लड़की से मिला स्टोर में, तो क्या आएगा? ए आएगा। आई मैट अ गर्ल, अब दोबारा गर्ल से पहले फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे ए नहीं आएगा। देखो उसी लड़की की बात हो रही है जो लड़की स्टोर में मिली थी, वो ही लड़की क्या थी? सुंदर थी। तो क्योंकि स्पेसिफाई हो रहा है, डेफिनेटली स्पेसिफाई हो रहा है, तो अब हम क्या लगाएंगे? द गर्ल वॉज ब्यूटिफुल। इसका मतलब सिक्स में पहले में तो आएगा ए और बाद में आएगा द। शी रिटर्न्ड आफ्टर डैश आर। अब सोचो क्या आएगा? आर, एच ओ यू आर, आर। तो आर में किसकी आवाज़ आ रही है? वाउल की आवाज़ आ रही है, जबकि शुरू किससे हो रहा है? कॉन्सोनेंट से। तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे आप? यहाँ पे लगाएंगे एन। देयर इज डैश इंस्टीट्यूशन फॉर डैश ब्लाइंड इन दिस सिटी। एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशन है किसके लिए है? ये स्पेसिफिकली ब्लाइंड लोगों के लिए है, तो ब्लाइंड स्पेसिफाई कर रहा है केवल ब्लाइंड लोगों के लिए, तो क्या लगाएंगे इससे पहले? द का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? द का। I bought a pair of shoes. देखो A नहीं है यहाँ पे, I bought dash pair of shoes. अब pair को देख के या shoes को देख के कन्फ्यूज़ मत होना। देखो कभी भी हम जूते खरीदते हैं तो जूता कभी भी एक पैर का तो खरीदेंगे नहीं, जूता हमेशा pair में खरीदा जाता है। तो आप इसे सोच के कन्फ्यूज़ मत होना कि ये plural है। तो क्या आएगा यहाँ पे? A आएगा। जो pair बना, जब दो जूतों से मिलके क्या बनता है? एक pair बनता है। दो जूतों से मिलके क्या बनता है? एक pair बनता है, इसलिए यहाँ पे A का यूज़ होगा, ठीक है। दे आर स्टेइंग एट डैश होटल। सिंपल है, दे आर स्टेइंग एट डैश होटल। वो कहाँ ठहरे हुए हैं? एक होटल में ठहरे हुए हैं, तो क्या लगेगा होटल से पहले? ए। क्या लगेगा? ए। आई थिंक डैश वुमन ओवर देयर इज अ फेमस एक्ट्रेस। यानी देखो वो वाली औरत जो वहां पे खड़ी है, वो पर्टिकुलर औरत, वो क्या है? वो फेमस एक्ट्रेस है। वो फेमस क्या है? कोई हीरोइन वगैरह है। तो उस औरत को क्या किया जा रहा है? स्पेसिफाई किया जा रहा। तो क्या आएगा? द का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? द का। आई रेड डैश अमेजिंग स्टोरी येस्टरडे। अब देखो मैं इसे रीड नहीं पढ़ रहा, मैं इसे रेड पढ़ रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? येस्टरडे। और पास्ट इंडेफिनिट है ये। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और मैं आपको बता दूँ, शायद आपको ऑलरेडी पता होगा
कि रीड को फर्स्ट फॉर्म में रीड पढ़ते हैं लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में उसे रेड और रेड पढ़ते हैं, और स्पेलिंग क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती है। तो यहाँ आएगा आई रेड एन अमेजिंग स्टोरी यस्टरडे एन आई वॉज इन डैश जैपनीज रेस्टोरेंट। मैं कहाँ था, जैपनीज रेस्टोरेंट में था। तो अब जैपनीज से पहले क्या आएगा, ए आई वॉज इन अ जैपनीज रेस्टोरेंट डैश रेस्टोरेंट सर्व्ड गुड फूड। देखो जैसे ऊपर आया ना उस लड़की के लिए, ऊपर आया था उस लड़की के लिए, ऐसे ही अब रेस्टोरेंट की बात दोबारा हो रही है, तो उसी रेस्टोरेंट की बात हो रही है, तो अब क्या लगाएंगे, स्पेसिफाई हो गया रेस्टोरेंट, द लगाएंगे, क्या लगाएंगे, द। 14th देखिए, आई लिव इन डैश अपार्टमेंट, द अपार्टमेंट इज न्यू। फिर से देखो, मैं किस में रहता हूँ, आई लिव इन एन अपार्टमेंट, क्या लगेगा अपार्टमेंट से पहले, एन लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब डैश अपार्टमेंट इज न्यू क्योंकि उसी अपार्टमेंट की बात हो रही है जिसमें मैं रह रहा हूँ, दोबारा से स्पेसिफाई हो गया, दोबारा से उसी चीज़ की बात हो रही है, तो अब क्या लगेगा, द लगेगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। आई वुड लाइक डैश पीस ऑफ केक, आई वुड लाइक अ पीस ऑफ केक, सिंपल है, ए। वी हैव डैश ब्यूटीफुल गार्डन, हमारे पास क्या है, ब्यूटीफुल गार्डन है, ए क्या आएगा, वी हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन, फिर से गार्डन स्पेसिफाई हो रहा है, डैश गार्डन इज फुल ऑफ रोजेस, वो गार्डन किससे भरा हुआ है, द गार्डन, कौन सा गार्डन, वही हमारा जो ब्यूटीफुल गार्डन है वो ही फुल ऑफ रोजेस है, यानी वो गुलाबों से भरा हुआ है, तो अब क्या लगेगा, द लगेगा, स्पेसिफाई हो रहा है। 17th देखिए, आई वुड लाइक डैश ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस प्लीज, मुझे एक ग्लास ऑरेंज जूस का चाहिए, तो क्या लगेगा, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, ए। सेलेना हैज गॉट डैश कैट, वॉट इज द डैश कैट्स नेम, आप सोचो इसमें क्या आएगा, सेलेना हैज गॉट ए आएगा, क्या आएगा, उसके पास एक क्या है, बिल्ली है, अब देखो उसी बिल्ली की बात हो रही है, तो फिर से क्या आएगा, वॉट इज द कैट्स नेम, उस बिल्ली का नाम क्या है। दे यूजली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन डैश माउंटेन्स, वो यूजली अपनी जो हॉलीडेज हैं वो कहाँ बिताते हैं, माउंटेन्स में, स्पेसिफाई हो रहा है कि भैया वो माउंटेन्स में बिताते हैं, जैसे शुरुआत में आया था कि वो टेम्पल जाती है मॉर्निंग के टाइम, तो द मॉर्निंग लगाया था, ऐसे ही यहाँ पे क्या लगाएंगे, द माउंटेन्स। इंडिया हैज़ डैश आइडियल क्लाइमेट, इंडिया की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, एन आइडियल क्लाइमेट है, आइडियल का मतलब बहुत रहने के लिए अच्छी है जलवायु। नेक्स्ट, आई कांट लिव ऑन डैश $500 अ मंथ, भाई अगर मुझे $500 मिलेंगे तो मैं इतने में काम नहीं कर सकता, मैं नहीं रह सकता इतने पे, ठीक है, तो इसमें ना ए की ज़रूरत है, ना एन की ज़रूरत है, ना द की, ये ऑलरेडी स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत हम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, समवन कॉल डैश पुलिसमैन, और इसी के नेक्स्ट देखिए, समवन कॉल डैश पुलिस, ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लग सकता है। देखो अगर मैं बात करूँ पुलिसमैन की, तो पुलिसमैन सिंगुलर है, पुलिसमैन क्या है, किसी एक पुलिस वाले की बात हो रही है, तो जब समवन, तो यहाँ पे क्या आएगा, समवन कॉल अ पुलिसमैन, समवन कॉल, कोई भैया किसी पुलिस वाले को बुला दो यार, समवन कॉल अ पुलिसमैन। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, समवन कॉल डैश द पुलिस, अब जो पुलिस है वो सिंगुलर नहीं है, वो क्या पूरी एक टीम होती है, पूरा एक ग्रुप होता है, ठीक है, तो समवन कॉल, अब आपको पता है कि जो डेफिनेट आर्टिकल है द, वो सिंगुलर नाउन से भी पहले यूज़ हो सकता है, प्लूरल नाउन से भी पहले यूज़ हो सकता है, और अनकाउंटेबल से भी पहले यूज़ हो सकता है, तो अब जो ये जो पुलिस है, तो ये क्या है, जो पुलिस है ये प्लूरल है, प्लूरल की तरह ट्रीट होगा, तो यहाँ पे हम इसके ए या एन तो लगा नहीं सकते, ए पुलिस नहीं, ना ही एन पुलिस, तो यहाँ पे क्या लगेगा, द पुलिस, समवन कॉल द पुलिस। आगे देखिए 24th, आई डोंट लाइक डैश डॉग्स बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग, मुझे डॉग्स पसंद नहीं है। देखो अब आई डू नॉट लाइक डॉग्स से पहले ए लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि डॉग्स प्लूरल है, एन लगाने का भी कोई मतलब नहीं है, और अगर मैं यहाँ लगाऊँ आई डोंट लाइक द डॉग्स तो ये भी कोई बात नहीं बन रही, पहले ही स्टेटमेंट में स्पेसिफाई नहीं हो रहा, तो ये स्टेटमेंट एज इट इज़ बिल्कुल सही है, ना इसमें ए का यूज़ होगा, ना एन का, ना डॉग, बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग, पर मुझे अपने भाई का डॉग पसंद है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, माय ब्रदर डजंट ईट चिकन, मेरा भाई क्या नहीं खाता, चिकन नहीं खाता, जैसे इससे पहले वाला यानी 24th है बिल्कुल ऐसे ये है, इसमें भी ए एन द की कोई भी ज़रूरत है ही नहीं, ये स्टेटमेंट वैसे ही क्लियर हो रहा है, माय ब्रदर डजंट ईट चिकन, मेरा भाई चिकन नहीं खाता है। आई होप कि ये जो वर्कशीट है आपको क्लियर हो गई होगी, थैंक यू सो मच।